इसका जो गन्ने का जूस निकलता है आंटी, वो लोग लाइक करते हैं, यानी कि दूसरी जो यहाँ पर बहुत सारी रसवंती की लगती है, तो आपका जो जूस पी के ग्राहक क्या कहता है? ग्राहक एक बार पी के जाएगा तो ढूंढ के इधर ही आता है। अच्छा, उनको अच्छा लगता है जूस पीने में। तो क्यों अच्छा लगता है, क्या कारण है? वो कूलिंग होता है, ठंडा होता है, उसमें बर्फ नहीं डालना पड़ता है। आप मशीन खरीद के या हमारी कंपनी से सारी सर्विस से खुश हैं? हाँ, खुश हूँ जी, जी, जी। मैं और एक लेना चाहूंगी। बहुत जन बोलते हैं करंट में डालो, करंट में डालो, तो और एक मशीन चाहिए ना जी, जी, जी। इसलिए मैं और एक खरीद करना चाहिए। अच्छा, दिन के कितने ग्लासेस सेल होते हैं? अभी मैं तो, हमारे हस्बैंड रहते हैं, मैं तो नहीं रहती हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड को पता है, लेकिन अच्छा होता है, धंधा तो अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक आपको खूब बरकत दे रहे। देखिए, कोई भी व्यक्ति है ना, अपना प्रॉपर व्यापार किसी को नहीं बताता। मुझे पूछो कि दिन का कितना मशीन बेचते, तो मैं थोड़ी ना बताऊंगा। चलो, लेकिन उनका ढेर बता देते। ओहो, ये तो बहुत बड़ा ढेर है। हाँ, देखो ना उस तरह। ये पूरा आपका? ये है, हमारा ही है ये। आपके जो ये अपनी जो दिखने इस, हाँ, साल, हाँ, इस साल का ये छोटी सी मशीन से। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सुगर केन मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और वीडियो में। हमने यहाँ पर सुगर केन की मशीन दी है रसवंते की, आप डेट देख सकते हो 1/12/2021 के अंदर, यानी जो है 3 साल हो गए हैं गन्ने की मशीन लिए हुए। पिछले साल 2022 में भी हम आए थे यहाँ पर मिलने के लिए, और 23 को छोड़ दिया, और अभी 24 में भी आए, यानी आज जो है मशीन को जो है तकरीबन अप्रोक्स जो है 4 ईयर होने आया, और हम जो है ये 3-4 साल के अंदर जो है 2 दफ़ा कस्टमर के वहाँ पर विजिट करने के लिए आ गए। इनके हस्बैंड जो है, उन्होंने हमसे मशीन जो है ऑनलाइन बुक करवाया था। आपने किस तरीके से बिजनेस का आइडिया आया था आपके हस्बैंड? यूट्यूब पे देख कर। यूट्यूब पे ही देख के ऑनलाइन बुकिंग करवा दिया था। हाँ। तो जो मशीन यूट्यूब पे देखा था वही मिला था ना? हाँ, वही मिला था। ऐसा तो नहीं दिखाया अलग और दिया अलग? नहीं नहीं नहीं, जो दिखाया वही मिला हम लोग को। हाँ। और आपने जो टाइमिंग में मांगा था वो टाइम पे आपकी मशीन की डिलीवरी हो गई थी? हो गई थी, है ना। हाँ। और आज मशीन को 3 साल कम्प्लीट हो गया, तो आज भी आपका एक ही बार गन्ना डालने से जूस निकल जाता है? निकल जाता है। इसके मोटर में, इसके रोलर में या मशीन के अंदर जंग कहीं लगा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं? मशीन के अंदर की जो क्वालिटी हो कैसी है? अच्छी है। इसका जो गन्ने का जूस निकलता है आंटी, वो लोग लाइक करते हैं, यानी कि दूसरी जो यहाँ पर बहुत सारी रसवंते की लगती है, तो आपका जो जूस पी के ग्राहक क्या कहता है? ग्राहक एक बार पी के जाएगा तो ढूंढ के इधर ही आता है। अच्छा, उनको अच्छा लगता है जूस पीने में। वो क्यों अच्छा लगता है, क्या कारण है? वो कूलिंग होता है, ठंडा होता है, उसमें बर्फ नहीं डालना पड़ता है, इसीलिए उन लोग को अच्छा लगता है। इसीलिए कभी भी किधर भी बंद होगा तो घर पे फ़ोन करके हम लोग को जूस चाहिए ऐसा बोल देते हैं, और हम लोग को दुकान खुलाना पड़ता है। कहीं डॉक्टर भी आपके रेगुलर कस्टमर? हाँ है, है ना? हाँ, कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर हम लोग के दुकान में आते हैं जूस पीने के लिए। अच्छा, और ऐसे रेगुलर कस्टमर जो है आपका बन चुका है, क्योंकि ये मशीन की क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड है, इसमें जो हाइजीनिक तरीके से जूस निकलता है, क्या इसमें मक्खी मच्छर वगैरह कुछ आने का डर? कुछ आता नहीं है। आप खुद भी इसको इजीली ऑपरेट कर लेते हैं, कभी आपको हाथ जाने का डर लगा? नहीं। कभी आपको कुछ लगा कटा? नहीं, मैं अकेले रहती हूँ, जब भी मेरे हस्बैंड नहीं रहते ना। हाँ। तो मैं अकेले संभाल लेती हूँ। आप खुद ऑपरेट कर लेते हैं? हाँ, लेती हूँ। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है। कभी मशीन में से कोई नॉइज, कोई आवाज आ रही है? नहीं। कभी करंट कुछ लगता है मशीन? नहीं लगता। देखिए, तो ये बेहतरीन क्वालिटी की जो मशीन है एसएस ब्रांड कंपनी ने दी है, इसको कितना साल हो गया मशीन? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल बाद भी हम यहाँ पर आपको केवल मिलने के लिए आए, अंकल को, आपको आंटी के साथ चल रहा है मशीन, जो हमारी कंपनी जो है वो हमारे ग्राहक को आपको फ़ोन कर करके भी पूछते रहते हैं, तो वो कैसा लगता है आपको हमारी कंपनी की कनेक्टिविटी, हमारा ये बार बार आके मिलना, सर्विस? अच्छा लगता है। आपसे कोई चार्ज तो नहीं लिया हमने? नहीं। इधर मिलने के लिए आए तो हमको चार्ज दो या पैसे दो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। हाँ, थैंक यू। एसएस ब्रांड कंपनी जो है अपने ग्राहकों का रखती है पूरा ख्याल, क्योंकि क्वालिटी के अंदर डील करते हैं हम। देखिए, हमारे ग्राहक ने जो है यहाँ पर हमारे लिए जो है रात को इतनी लेट भी अपनी दुकान को खुला रखा है, और इनका जो है गन्ना देखिए कितना साफ सुथरा गन्ना है, ये कैसे इतना हाइजीनिक गन्ना जो है? वो धोना पड़ता है, सुबह 2-3 घंटा लगता है मेरे को धोने के लिए। वो एक मशीन है, लेकिन वो मशीन में भी हाथ डालना पड़ता है ना, तो हाथ से धोने से क्या दिक्कत है, इसलिए हम लोग घर में ही धो लेते हैं। आप हाथ से घर में ही धो लेते हैं? हाँ हाँ, हाथ से ही धोती हूँ। बाकी बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं आप? हाँ, क्लीन, ऐसा कभी भी देखो क्लीन ही रहता है, इसीलिए हम लोग के पास ग्राहक बहुत आता है। हाँ, साफ सफाई बहुत जरूरी। हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा, आपका रोलर भी ये देखिए, आप देख सकते हो इनका रोलर जो है कितना नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर दिखाइए, क्योंकि ये जो है ना खुद जो है वो ऑपरेट कर लेते हैं। आप खुद ही दिखा दीजिए कि कितना जो है हाइजीन तरीके से जो है मशीन रहता है।
ये देखिए, ये तो अभी जस्ट हमने शुगर केन स्टिक डाला, 3 साल बाद भी ये चमक रहा है। देखिए हाँ, हर दिन हम धोना पड़ता है, एक घंटा लगता है धोने के लिए, सब साफ सुथरा बना लेते हो हम लोग। हाँ, साफ सफाई के वजह से आपकी मशीन में कभी कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आई, कोई बेयरिंग का, कोई वाइसर का कोई खर्चा अभी तक तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, देखिए आपके सामने है रिव्यू कि ग्राहक जो है हमारे सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, वो इस वजह से क्योंकि वो खुद साफ सफाई रखते हैं। तो अगर आपके भी पास मशीन है, आप खुद लेना चाहते हो, तो अगर आप ये मशीन लेना चाहते हो तो आपको सफाई के अंदर तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, तब आपकी मशीन जो है देखिए 3-4 साल तक कुछ नहीं होता है मशीन को। कब? जब ग्राहक जो है अपनी मशीन की सफाई नीट एंड क्लीन रखते हैं, तब उनको मेंटेनेंस नहीं आता है, जीरो मेंटेनेंस आता है। मेंटेनेंस कब आता है? जब आप सफाई नहीं रखते हैं, तब दिक्कत परेशानी पेश आती है या कचरा रह जाता है ना। तो आप अपनी मशीनों की केयर इस तरीके से करेंगे जैसे आंटी करते हैं, देखिए खुद जो है पूरा मशीन को क्लीन करते हैं रोजाना ही करना पड़ता है, 1 घंटा लगता है लेकिन अच्छा से धोना पड़ता है, तभी सुबह से अच्छा ग्राहक देख के ही आते हैं। और आंटी ये जो है अपना गन्ना जो है वो अपने खेत में ही बनता है आपके? हाँ, ये हमारे अभी खेत में है, अभी हम लोग ने ऑर्गेनिक से बनाया है। अच्छा, ये गन्ना कितने नंबर का गन्ना है? ये अभी वो पुंडिया रहता है ना, वो पुंडिया तरीका का वो गन्ना है हमारा, यहाँ किधर भी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग ने सब ऑर्गेनिक से बनाया है। ऑर्गेनिक से? हाँ, देखिए ऑर्गेनिक और हाइजेनिक यानी प्योर जूस इधर मिलता है, प्योर। अगर आप भी पीना चाहते हो तो अपना एड्रेस और पता आंटी बता दीजिए। एट पोस्ट वसंतगढ़, तालुका कराड़, जिला सातारा, स्वाद ढाबे के नजदीकी। स्वाद ढाबे के नजदीक बिल्कुल यहाँ पर जो है श्री गणेश रसवंत है, उस रोप वाटिका नर्सरी भी है और रसवंती भी है। तो चलिए थोड़ा सा जूस निकाल के बताइए आंटी, और ये जो गुड़ वगैरह है वो कैसे, मतलब आप बाहर से लेते? अच्छा, बाहर से लेते हैं। हम लोग हमारे भी खेत में से निकाला, वो 100 रुपए किलो का गुड़ था लेकिन बहुत अच्छा था। अच्छा हाँ, वो जो गिराया गया ना, ये नीचे से भी भरा जाता है, ऊपर से भी। हाँ, ऊपर से भी भरा है, ऊपर जो चार्जिंग वाला हेड है। यहाँ आंटी लाइट जाती है क्या आपके यहाँ? हाँ जाती है, हम लोग जनरेटर पे यूज करते हो, जनरेटर पे मशीन चल जाती है। चल जाती है, और जब जैसे लाइट गया तो ये जो जनरेटर में केवल ये चलाओ, यही सिर्फ क्रशर ही चलाओ, जूस तो यूं निकल जाएगा ग्रेविटी से। ये 3 साल हो गए आपकी मशीन में जरा भी जंग नहीं लगा है? नहीं लगा। मटेरियल तो 202, ये नीचे 202 है, ऊपर 304 है, फिर भी देखिए एक जंग नहीं लगा। सही है, हम लोग को पूछते है कभी लिया, हम बोले 3 साल, ऐसा नहीं लगता 3 साल हो गए इस मशीन को। 3 साल हो गया तो नहीं लगता है कि 3 साल हो गया है। देख लीजिए यहाँ पर जो है वो आपका हाइजेनिक गन्ने का जूस है। देखिए आप इधर खाली रख लीजिए, देखिए ये कितने रुपए में ग्लास आंटी सेल करते हैं? 20 रुपए का ग्लास है, 20 रुपीज। देखिए अभी जस्ट हमने किया, क्या ठंडा हो गया है, देखिए हो गया है ना, बहुत ठंडा हो गया, तुरंत हो जाता है। हाँ, जल्दी नहीं, जल्दी हो जाता है, ग्राहक 2 मिनट बैठ के ही ठंडा पी के जाते हैं। हाँ, देखिए आपके सामने क्वालिटी है SS ब्रांड कंपनी की मशीन की, और अभी जो है हम इतना लॉन्ग जर्नी करके आए केवल इनको मिलने के लिए कि आपका कैसा बिजनेस चल रहा है। अगर आप भी हमसे मशीन खरीदेंगे तो हम जो आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मशीन के अंदर क्या होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी मशीन है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, और सभी पार्ट्स के अंदर गारंटी वारंटी नहीं होता है ना। तो फिर भी हम हमारे ग्राहक को जो है वो इतना अच्छा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंपनी से जुड़ने के लिए डिस्प्ले दिखाए गए नंबर पर कॉल करें, और कि हमारी कंपनी को, हमारी मशीन को, हमारी सर्विस को आप कितना स्टार देना चाहेंगे? हमने 10 रखा है, 10 ही भी देना चाहूंगी मैं। 10 में से 10 ऐसा तो नहीं है कि कैमरा ऑन होने से पहले? नहीं, अभी हम लोग को अच्छी मशीन मिली इसलिए तो 10 स्टार ही देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, थोड़ा अपनी भाषा में थोड़ा बता दीजिए। 10 स्टार देणार, कारण अशी मशीन चांगली चालली आहे ना, रिस्पॉन्स भरपूर आम्हाला आहे आणि ग्राहक पण भरपूर आहेत। ये मशीन के जो पैसे है वो कितने टाइम में आपके कवर हो गए थे? अभी कवर तो हो गया है। हाँ। 1 साल में ये कवर होता है जी, 1 साल में कवर हो गया। हाँ, ना? हाँ, हो गया है, और आप बाकी जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ। आप मशीन खरीद के या हमारी कंपनी से सारी सर्विस से खुश हैं? हाँ खुश हूँ जी। मैं और एक लेना चाहूंगी।
बहुत जन बोलते हैं करंट में डालो करंट में डालो, तो और एक मशीन चाहिए ना जी, इसलिए मैं और एक खरीद करना चाहिए। तो कौन सी कंपनी से खरीदोगे? अभी शुगर कैनी ना, ये ना अपना एसएस कंपनी, ऐसा ही सेम क्वालिटी का एसएस सोडा मशीन कंपनी से ही खरीदेंगे, हमारी ब्रांड से ही खरीदेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जो है बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, इसलिए यही मैं लेना चाहूंगी। जी जरूर आंटी, आपको एक और मशीन दे देंगे। आंटी से बात करेंगे अपने बिजनेस के बारे में कि एक साल में जो है वो कितना टाइम जो है बिजनेस चलता है। तो आंटी आप कब चालू करते हैं, कौन से महीने? हम इस साल हम नवंबर महीने में चालू किया, अभी जून तक चलेगा हमारा, यानी 8 महीने चल जाता है। हाँ चल जाता है, 8 महीने कंटिन्यू ग्राहकी रहता है। ज्यादा ग्राहकी कब रहता है? ज्यादा ग्राहक रहता है मार्च में रहता है, मार्च अप्रैल में, दिसंबर में भी रहता है, नवंबर में भी इतना नहीं रहता है, लेकिन रहता है। हाँ धंधा चल जाता है। हाँ चल जाता है, इसके भी आगे अगस्त में भी चालू करना, लेकिन गन्ना नहीं रहता है ना, ग्राहक बोलते हैं चालू करो अच्छा। पीछे लग जाते हैं चालू करने के लिए, इसलिए हम लोग ने नवंबर में चालू किया। नवंबर में चालू किया, लेकिन चालू अच्छा धंधा होता है। ग्राहक भी ज्यादा रहता है, ग्राहक भी ज्यादा रहता है। अच्छा दिन के कितने ग्लासेस सेल होते हैं? अभी मैं तो हमारे हस्बैंड रहते हैं, मैं तो नहीं रहती हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड को पता है, लेकिन अच्छा होता है धंधा, तो अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक आपको खूब बरकत दे। देखिए कोई भी व्यक्ति है ना अपना प्रॉपर व्यापार किसी को नहीं बताता, मुझे पूछो कि दिन का कितना मशीन बेचते तो मैं थोड़ी ना बताऊंगा, चलो लेकिन उनका ढेर बता देते हैं। पिछले साल जो है ये जो वेस्टेज रहता है आंटी, ये जो वेस्टेज रहता है उसका क्या हो गया था बताइए तो, ऐसा पहाड़ बन गया? हाँ पहाड़ बना था, लेकिन गए बरस से भी ज्यादा इस पहाड़ बन गया इस साल में, यानी पिछले 2021 में जो व्यापार हुआ उससे ज्यादा 22 में हुआ, जो 22 में हुआ उससे ज्यादा 23 में हुआ, जो 23 में हुआ उससे 24 में। हाँ हो गया 24 की, तो आधी सीजन अभी हुई है, हम सीजन में आए हुए हैं हमारा धंधा छोड़ के। तो चलिए अब आपको आगे जो इनका अभी आधी सीजन में जो बने है वो कचरा दिखाते हैं जो इसका वेस्ट है। पिछली दफा ऐसा पहाड़ बन गया था, है ना? हाँ बन गया था। चलिए तो आगे हम इनके पहाड़ दिखाने लेके जाते हैं, इनका कचरे का जो ढेर है ना वो दिखाएंगे आपको, कहाँ पर लगाए थे आप अपना ढेर, चलिए देखते है। और नर्सरी है हमारे। अच्छा। हमारे जब भी बारिश चालू हो जाती है तो नर्सरी का धंधा बहुत होता है। अच्छा बारिश में नर्सरी का धंधा? हाँ धंधा होता है, और उसका वो उस जो रहता है ना, हाँ वो भी वो रख लेते हैं हम लोग। अच्छा बिकने के लिए क्या क्या रख लेते हैं बिकने के लिए? उस गन्ना जो रहता है ना, हाँ। उसका पौधा। अच्छा उसका पौधा रखते है? गन्ना रखते है, यहाँ से वो बिकता होगा? हाँ बिकता है। अच्छा ओहो ये तो बहुत बड़ा ढेर है। हाँ, देखो ना उस तरह ये पूरा आपका? हाँ, ये है, हमारा ही है ये आपके जो ये अपनी जो दिखने इस, हाँ, साल का, इस साल का ये छोटी सी मशीन से? हाँ छोटी सी मशीन से ये पूरा जो है ऐसा। अभी ये और आगे बढ़ेगा? अभी इधर रखने के लिए मेरे को जगह नहीं है, अभी इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा मेरे को। जो गन्ने के मशीन में से जो वेस्ट निकला है उसको रखने के लिए जिज्ञासा नहीं है। और ये फिर इसका क्या होता है आंटी? अभी ये जो मराठी में बताते हैं, मराठी, हाँ जो गुराळ असते ना ते पहिल्यांदा चालू होतं तेव्हा हे घेऊन जातात, कारण सगळीकडे भिजलेलं असतं आणि आम्ही झाकून ठेवलेलं असल्यामुळे ते घेऊन जातात आमच्याकडून। आणि ह्याचा पण वेस्टेजचा पण पैसे देऊन जातात आम्हाला। अच्छा हाँ मेरे को तो पता नहीं चला, लेकिन वैरायटी जो भी देख रहे हो कि वीडियो उनको जरूर पता चल गया होगा। बात तो सही है के वेस्ट का क्या होता है। तो देखिए इस तरीके के बिजनेस की आप भी कर सकते हो शुरुआत एसएस ब्रांड कंपनी से जुड़ के।